हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉल्यूम स्टडी में। फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2/2018 वाले कैंडिडेट के लिए एक और अपडेट आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस बार कैंडिडेट के 5th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, इससे पहले 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें लगातार कैंडिडेट एब्सेंट रह रहे हैं। इसकी वजह से ऑफिशियली कट ऑफ मार्क्स को डिक्रीज कर दिया है और जो भी पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट थे उनका 5th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, कट ऑफ को कम करने के बाद ओबीसी का कट ऑफ 71.81, एससी का कट ऑफ 65.70, एसटी का कट ऑफ 56.10 रहा है। फ्रेंड्स, ऑफिशियली अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, आज ही की डेट में अपडेट आया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट को। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आपको रेलवे भर्ती से संबंधित लगातार अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। यहाँ से देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। तो फ्रेंड्स, आरआरसी प्रयागराज वाले कैंडिडेट के लिए न्यू अपडेट आया है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 5th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। यहाँ से देखिए, 26/9/2021 इम्पोर्टेंट नोटिस अगेंस्ट CEA नंबर 2/2018 फॉर 5th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लिक हेयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड कॉल लेटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल जारी किया है, जो लिस्ट जारी किया है, उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पर PDF को ओपन कर लिया है और यहाँ से देखिए, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे, इसके बाद केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2/2018 के अंतर्गत पंचम चरण के दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण के संबंध में सूचना। फ्रेंड्स, इससे पहले कैंडिडेट के 4th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दिए थे और लगातार कैंडिडेट एब्सेंट रह रहे थे। लगभग 60% कैंडिडेट एब्सेंट रह रहे थे। इसकी वजह से बार बार आरआरसी है जो कट ऑफ को डिक्रीज कर रहा है और फिर से कैंडिडेट के लगातार यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के लिए पैनलिस्ट जारी कर रहा है। फ्रेंड्स, इसमें बेसिक डिटेल दी हुई है। इधर देखिए, जो ये 5th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी किया है, इसमें कितने कैंडिडेट हैं, तो यहां से देखिए, ओबीसी के 13 कैंडिडेट हैं, एससी के भी 13 कैंडिडेट हैं और एसटी के 2 कैंडिडेट हैं। यहां पर देखिए, उक्त पंचम चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु श्रेणीवार कट ऑफ, यहां पर ओबीसी का 73.81351, एससी का कट ऑफ देखिए 65.70968, एसटी का देखिए 56.100092 है। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन एवं अभ्यर्थना सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण हेतु ई कॉल लेटर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज की वेबसाइट से निर्धारित तिथि से पूर्व डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड है, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दे दिया गया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, 23/9/2021 की डेट में ये लेटर यहाँ पर अपडेट किया है। इसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। CBT ऑनलाइन परीक्षा के ई कॉल लेटर का नीचे का भाग लेकर आना है और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET का बुलावा पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवार को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारता निरस्त कर दी जाएगी। यानी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, तो आपके जो भी मूल प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपके मूल दस्तावेज हैं, वो सभी को आपको लेकर जाना है। यदि आप नहीं लेकर जाएंगे तो आपकी उम्मीदवारता रद्द कर दी जाएगी और आपको कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट, 5th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट लिस्ट DV डेट 28/9/2021। यानी जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर 5th चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, उनको 28/9/2021 की डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। इधर कैंडिडेट के सीरियल नंबर दिए हुए हैं, इधर ग्रुप डी का जो भी उनका मेरिट के अनुसार रैंक रहा है वो दिया हुआ है, इधर रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए हैं सभी कैंडिडेट के, यहाँ पर कैंडिडेट के रोल नंबर दिए हुए हैं, इधर कैंडिडेट के नेम दिए हुए हैं। तो सभी कैंडिडेट जो भी इस लिस्ट में है, अपना अपना डिटेल चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी दिया हुआ है कि कौन कौन से कम्युनिटी वाले कैंडिडेट हैं, और इधर देखिए नॉर्मलाइज मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ से सभी के स्कोर भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बड़ी अपडेट है, इसमें देखिए टोटल कितने कैंडिडेट हैं। यहाँ से देखिए, टोटल 28 कैंडिडेट हैं, सभी के डिटेल मेंशन कर दिए हैं और लास्ट जो ST का कट ऑफ रहा है 56.10092। तो फ्रेंड्स, बड़ी अपडेट है, टोटल 28 कैंडिडेट्स के लिए ये लिस्ट जारी किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, क्या और भी यहाँ पर लिस्ट आने की संभावना है? तो फ्रेंड्स, ये 28
8 जो कैंडिडेट हैं इनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जितने कैंडिडेट यहाँ से एबसेंट रहेंगे उतने ही कैंडिडेट का फिर से सिक्स डीवी शेड्यूल जारी किया जाएगा, तो फिर से यहाँ पर कट ऑफ डिग्रीज होने वाला है। तो फ्रेंड्स लगातार आप इस चैनल को देखते रहिए, आपको लगातार इस पर अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना इक्वल लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इक्वल लेटर के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड कॉल लेटर, तो यहाँ से आप कॉल लेटर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से देखिए आप अपना यहाँ पर रोल नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका इक्वल लेटर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर फिफ्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। आगे बने रहिए चैनल के साथ, नमस्कार।